morning students. Today's topic fetal alcohol syndrome. जो कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न में भी है. हाई रिस्क न्यूबॉर्न जो कंडीशन है सभी हो चुकी है लगभग. लास्ट जो कंडीशन है फेटल एल्कोहल सिंड्रोम जो कि आज का टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि फेटल एल्कोहल सिंड्रोम है किस प्रकार ये होता है, किस कारण से ये होता है. और जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर्स अल्कोहल लेती है या अल्कोहल यूज करती है तो जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके डिस्टर्बेंस करता है फॉर्मिंग ऑफ ऑर्गन एंड फिटल फाइंडिंग के लिए. तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि इफ ए मदर यूजिंग ए अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अल्कोहल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डिस्टर्बेशन इन द ऑर्गन फॉर्मेशन एंड फिटल फाइंडिंग. जैसे बताया कि जो मदर्स एल्कोहल लेती है वो जो एल्कोहल है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके जो फिटस में जो डेवलपमेंटिंग जो फॉर्मेशन ऑर्गन होते हैं उसको डिस्टर्बेशन कर देता है, जिसके कारण से फिटस एल्कोहल सिंड्रोम होता है. नेक्स्ट ये होता है इसमें कैसे असेस करेंगे हम कि फिटस एल्कोहल सिंड्रोम है. तो उसमें पहला लेते हैं जो एल्कोहल है वह क्या करता है, कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज को डेवलप करता है एल्कोहल. कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटी होती है, पहली होती है एक्सरसाइज बहुत होती है.
पैसेज के अंदर आती है एंड कॉल्ड सिंड्रोम फ्लू। अब लेते हैं हम इसमें मैनेजमेंट, या हम जैसे मैनेज करेंगे एक फिटल एल्कोहल सिंड्रोम को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं असेसिंग द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड डिक्रीज इन्वॉल्वमेंट स्टिमुलाई टू प्रिवेंट सीजर। इफ सीजर, यदि सीजर आते हैं तो प्रिवेंट करना है हमें गिव ए साइडलाइन पोजिशन एंड प्रिवेंट इंजरी बाय सीजर। यानी सीजर के द्वारा इंजरी हो सकती है उसको हमें प्रिवेंट करना है, और सीजर के द्वारा हम जो साइडलाइन पोजिशन देती है देनी है। नेक्स्ट फेज आएंगे मैनेजमेंट में के गिव ए ओटोथेरेपी, यानी ओटोथेरेपी देनी है रेस्पिरेटरी, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो ओटोथेरेपी देनी होती है। लास्ट जो मेडिसिन देते हैं वो होती है एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में ये मेडिसिन दी जाती है लिबियम। तो अब आपका टॉपिक कंप्लीट है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम। नेक्स्ट टॉपिक इज केएमसी यानी कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर का जो पर्पस था वो एक न्योनेटल केयर यानी लो बर्थ बेबी को वेट गेन प्रोवाइड करना बाय केएमसी के द्वारा। ये एक चैलेंज है एक न्योनेटल केयर के और फैमिली के लिए। जो केएमसी है वह लो कॉस्ट अप्रोच है, यानी इसमें कोई किस प्रकार का कोई खर्च नहीं होता। लो बर्थ बेबी वेट आसानी से हम केएमसी द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। अब लेते हैं इसमें जिसको मेथड को दिया था जो डॉक्टर्स थे उनका पर्पज ये था केएमसी द्वारा जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनको वेट गेन करना। जो पहले थे डॉक्टर एडगर, दूसरे चार्पक, तीसरे मार्टिन, जिन्होंने 1970 में इस मेथड को दिया। जिनका ये पर्पज था कि जो लो बर्थ बेबी वेट है उनको गेन करना केएमसी के द्वारा। अब हम लेते हैं डेफिनेशन। केएमसी यानी कंगारू मदर केयर अकॉर्डिंग टू एक एनिमल्स, यानी जो कंगारू है वह अपने बच्चे को प्रोवाइड करता है केयर अपनी कोख में रख के, उसी अकॉर्डिंग हम इसमें जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनको हम केएमसी द्वारा उसी के अकॉर्डिंग केयर दी जाती है। तो उसमें डेफिनेशन में जाएंगे कि केएमसी यानी कंगारू मदर केयर इज ए स्पेसिफिक वे केयरिंग लो बर्थ वेट बेबीज बाय स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, यानी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के द्वारा हमें बेबी को लो बर्थ बेबी वेट को गेन करना। कैसे? स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट को प्रमोट थर्मल कंट्रोल एंड ब्रेस्टफीडिंग एंड बॉन्डिंग, यानी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से मदर और इन्फेंट के बीच जो कॉन्टेक्ट होता है उससे क्या होता है कि ब्रेस्टफीडिंग इंप्रूव होती है, थर्मल कंट्रोल इंप्रूव होता है एंड ब्रेस्टफीडिंग भी इंप्रूव होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट ये लेते हैं हम कि इसमें कंपोनेंट्स ऑफ क्या क्या होते हैं। तो पहला कंपोनेंट्स इसमें वही होता है कि स्किन कॉन्टेक्ट, दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जो थर्मल को इम्प्रूव करते हैं और जो प्रिवेंट करते हैं हमें हाइपोथर्मिया किसी कंडीशन से। नेक्स्ट इसमें लेते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग क्या करता है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से जो लैक्टेशन वो इम्प्रूव होता है एंड जो मदर और इन्फेंट के बीच में जो रिएक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है ब्रेस्टफीडिंग के द्वारा, और जो ब्रेस्टफीडिंग जो रोटेशन है या ड्यूरेशन है वो भी टाइम भी इसके द्वारा बढ़ता है, और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग के द्वारा जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं इन्फेंट्स को इससे क्या होता है वेट गेन होता है। तो जो मेन पर्पज है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। जो कंपोनेंट्स हैं केएमसी, ये मेन दो कंपोनेंट्स हैं केएमसी। नेक्स्ट इसमें लेते हैं जो बेनिफिट्स क्या होता है हमें केएमसी से एक इन्फेंट्स को। तो पहला बेनिफिट्स ये होगा इसमें
से पहला इफेक्ट ये होगा कि जैसे हाइपोथर्मिया है जो कि आफ्टर लवर काफी यंगर्स में होता है, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि ये थर्मल कंट्रोल को प्रिवेंट करता है क्योंकि स्किन के स्किन कॉन्टेक्ट के द्वारा ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट ये रहता है कि जो है ब्रीथ फिटिंग इंक्रीज होता है, उसका टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी इंक्रीज होता है। और थर्ड ये कहता है कि जो इसमें सेटिस्फाइड सेंसेंस होते हैं जो इन्फेंट्स में वे होते हैं, पहला होता है इसमें टच, लास्ट डिग्री क्राइटेरिया ऑफ केएमसी। अब नेक्स्ट है आपके
लेफ्ट सीट पोजीशन पहला है कंगारू पोजीशन। कंगारू पोजीशन जैसे कि एक एनिमल्स की बॉडी पोजीशन से मैं आपको फर्स्ट प्रोडक्ट में बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, पोजीशन में एक एनिमल लाइक यानी फ्रॉग लाइक पोजीशन दी जाती है बच्चे को। इसमें बच्चे का जो हेड वो राइट एक्सटेंड रहेगा और उसके आर्म्स दोनों फ्लेक्स रहेंगे चेस्ट के, और जो लेग है वे भी फ्लेक्स रहेंगे। आप ये जो पोजीशन होगी फ्रॉग लाइक पोजीशन होगी और उसके आसानी से हम इस पोजीशन को दे सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट लेंगे मॉनिटरिंग केम्स के। अब केम्स के दौरान यानी कंगारू मदर केयर में हम क्या क्या मॉनिटरिंग करेंगे, तो हम कंगारू मदर की ब्रीडिंग, उसका जो टेम्परेचर है, स्किन कलर है, उसकी ब्रीथिंग है, वो सभी हमें मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट इसमें लेते हैं फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स जैसे कि माँ को कुछ हेल्प की जरूरत होती है बच्चे को, जो मिल्क प्रोडक्शन उसमें स्टेप में क्या होता है कि बच्चे को ड्यूरिंग के एफ सी इन्फेक्ट्स को ब्रिज के नजदीक लाया जाता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन आसानी से हो सके और ब्रिज फीडिंग आसानी से प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि इस स्टेप से मिल्क प्रोडक्शन आसानी से होता है। फीलिंग्स नेक्स्ट देते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ड्यूरिंग के एम सी मदर्स गिव ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू इम्प्रूव मोटिवेशन एंड रिड्यूस द एंजाइटी, क्योंकि के एम सी दौरान कुछ मदर्स में कुछ सवाल होते हैं, उनको हमें आंसर देना आसानी से हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ स्टाफ के द्वारा, जिससे उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले और उसकी जो एंजाइटी है वो दूर हो और के एम सी के अकॉर्डिंग उसका जो है नॉलेज और इम्प्रूव हो। नेक्स्ट सुन लेते हैं प्राइवेसी, यानी जो के एम सी के रिक्वायरमेंट है एरिया जो मदर्स को एक्सपोजर करना है, इसके अलावा कोई एरिया ना एक्सपोज करें। टाइम ऑफ इनिशियल ऑफ के एम सी, यानी के एम सी शुड बी इनिशियल ग्रेजुअली विद स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल केयर टू कंटिन्यू के एम सी। के एम सी कैन बी सॉर्टेड एज सून एज बेबी स्टेबल न्यूरोटिक केयर यूनिट। शॉर्ट के एम सी सीजन कैन बी इनिशियल ड्यूरिंग रिकवरी विद ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि आई फ्लूड्स एंड फोटोथेरेपी। के एम सी गिवे प्रोवाइड वेल द बेबी इज ए गिवेस। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में ये है कि ड्यूरेशन ऑफ के एम सी शुड नॉट बी लेस देन वन आवर टू अवॉइड फ्रीक्वेंट हैंडलिंग विच मे बी स्ट्रेसफुल टू द बेबी, यानी जो है के एम सी में जो है वो एक आवर से कम नहीं होनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए जो फ्रीक्वेंट हैंडलिंग है विच मे बी स्ट्रेसफुल टू बेबी, जो कि बेबी के लिए स्ट्रेसफुल होते हैं। तो ये आज कंप्लीट हो गया के एम सी प्रोसीजर। अब जो आज मैंने टॉपिक लिए हैं, पहला लिया है फिटस एलिकोज सिंड्रोम, दूसरा लिया है के एम सी। टुडे टू टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन।